जोर तालियों के साथ मैच की शुरुआत करेंगे फाइनल मैच की। यहां पर गेंद को मारना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज के बिल्कुल पैरों से टकराने के बाद गेंद जा रही है। जैसे कि ये फाइनल मैच जो खेला जा रहा है समर्थ राजा के क्रिकेट टीम और उनके सामने है सिद्धेश्वर क्रिकेट टीम के बीच में फाइनल मैच की शुरुआत अब यहां पर हो चुकी है। और पहले टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला समर्थ राजा क्रिकेट टीम के कप्तान काशीनाथ कोहली ने लिया है। फिर से गेंदबाजी करने के लिए ये गेंद और फिर गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाकर ऑन साइड गेंद को मारा, गेंद डाल के बिल्कुल डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाती गेंद 6 रनों की लिया। बहुत जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक, सुपर से ऊपर स्ट्रोक निकलता हुआ, हब वाई पैर फुल नहीं बल्कि पावरफुल वंडरफुल अंदाज का स्ट्रोक निकला 6 रन की लिया। यहाँ पर जैसे कि गेंदबाजी करने के लिए कर्नाटक एक्सप्रेस यानी कि अनिल गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद लेकर जिनके सामने है बैट्समैन स्ट्राइक पर। लेग स्टंप पर आती गेंद ऑन साइड में गेंद को मारा, गेंद जा रही है शॉर्ट में भी निकलती गेंद, जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं एक रन लेने का मौका बैट्समैन के लिए मिला। एक रन का स्कोर आगे बढ़ता हुआ केवल 7 रन की योग पर नौजवान युवकों की दाबाज तथा युवा नेते युवा सम्राट अन्ना सिद्धरमैया पाटिल के 31वां जन्मदिन है। उसी मौसे पर हर्रार क्रिकेट का जल्लोष पाते हुए तो अपन डायमंड चषक का और डायमंड चषक का ये मेगा फाइनल इस वक्त चल रहा है। केके राजा समर्थ केके राजा क्रिकेट टीम और मुकाबला चलता हुआ यहां पर सिद्धेश्वर क्रिकेट टीम के बीच में। बहुत अच्छा कैच वहां पर पकड़ा जाता हुआ मुत्तु नाइक की ओर से, वहां पर फील्डर है और ये झटका लग रहा है। तो लगातार बैट्समैन अगर 3 गेंदों में 3 छक्के लगाते हैं तो हमारे संतोष जी आड़ाकुल गुरु जी इनकी ओर से ₹2000 का इनाम दिया जाएगा बैट्समैन के लिए। हैट्रिक छक्के के लिए ₹2000 संतोष जी आड़ाकुल गुरु जी इनकी ओर से दिए जाएंगे और विकेट हैट्रिक के लिए भी ₹2000 होंगे। हैट्रिक छक्का तो गेंदबाज लेंगे हैट्रिक, दोनों के लिए ₹2000 गुरु जी की ओर से। नए बैट्समैन बैटिंग करने के लिए आप शिव सिंह वाले बैटिंग करने के लिए अगर सिद्धेश्वर टीम फाइनल पहुंची है तो अभय के प्रदर्शन का प्रदर्शन देखने लायक था। यहां पर जो टीम फाइनल का सफर कर रही है उसमें पूरा बड़ा श्रेय मैं कहूंगा अभय शिव सिंह वाले का श्रेय यहां पर कहा जाएगा। ये फाइनल मैच चलता हुआ फिर से गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद लेकर ये गेंद और फिर गिनती मारना चाहते थे, ये लगा वहां पर विकेट कीपर के पीछे बढ़िया कैच, विकेट कीपर ने नितिन मेड़ा ने कैच पकड़ा वहां पर और टीम के लिए लगता और एक झटका जोर का झटका धीरे से लगता हुआ दूसरा झटका यहां पर लग रहा है। अनिल ने जो यहां पर जो फैसला किया था अनिल का फैसला यानी कि बिल्कुल सही फैसला मैं कप्तान केके का कहूंगा क्योंकि टॉस जीतने के बाद जो फील्डिंग करने का केके को जैकी क्यों कहा जाता है इसका यहाँ पर देख जैकी मतलब शातिर दिमाग इंसान है काशीनाथ कोहली। वहां पर कुल स्कोर इस वक्त 7 रन की योग पर पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद 2 विकेटों के नुकसान पे 7 रन। प्रभाकर ननोने महाराज यानी कॉमेंट्री बॉक्स से संपर्क कराए थे तो देख रहा है फिर से गेंदबाजी करने वाले सामने वाले छोर से गेंदबाजी का मुत्तु नाइक को गेंदबाजी के लिए बोला जाता है। मुत्तु नाइक कर्नाटक एक्सप्रेस मैं कहूंगा केपीएल खेलने वाले खिलाड़ी बागलकोट से ताल्लुकात रखते हैं मुत्तु नाइक का, वहां से आकर सोलापुर में प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। ये टूर्नामेंट खेलने के लिए बागलकोट अनिल और नचिति मेरे ख्याल से ये दो खिलाड़ी आ रहे हैं और हैदराबाद से आए हैं अजर जो कि यहाँ पर बड़े बड़े
तरह से यहाँ पर क्रिकेट खिलाड़ी छोटे मंकाल सांगली तालुका में से भी खिलाड़ी आइकॉन खिलाड़ी की तो बड़े बड़े क्रिकेटर का हमें खेल देखने मिला है टूर्नामेंट में। राकेश राकेश निक रहे थे राकेश सर गेंदबाजी का आक्रमण संभाल लेके लिए गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है गेंदबाज। बहुत अच्छी गेंद थी यॉर्कर लेन की गेंद थी सीधा ड्राई लगा दिया गेंद जा रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद सामने अनिल रन लेने का कोई मौका नहीं अभी भी रुका हुआ स्कोर केवल 7 रन की ओर पर 2 विकेटों के नुकसान पे इनिंग का ओवर नंबर चलता हुआ ये दूसरा ओवर चलता हुआ दूसरे ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए मुत्तू नाइक तैयार है इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर। फिर गेंद बार बार ना चाहते थे लगा वहां पर हल्का सा बाहरी किनारा क्वाड बिहाइंड के तौर पर विकेट जा रहा है टीम के लिए लगता और एक झटका एपी झटका जोर का झटका धीरे से लगता हुआ टीम के लिए लगने वाला ये तीसरा झटका अभी अभी लगा है शायद यहाँ पर बल्लेबाजी की नैया इस वक्त डूब आ रही है बल्लेबाजी की पारी यहाँ पर लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है और ताश के पत्ते की तरह ये पारी ढेर होती हुई नजर आ रही है। टूर्नामेंट का आयोजन करने के लिए टूर्नामेंट के आयोजक कुनार लोनार प्रभाकर बहराज ननौरे संकेश्वर राकेश मनसा वाले अनिल परदेशी लखन पंगुड़ वाले निलेश राठौर किरण परदेशी मनोज पंगुड़ वाले नरेश आगलावे लाड ये टूर्नामेंट समिति के सदस्य हैं। नए बैट्समैन बैटिंग करने के आए है गेंद जा रही है बिल्कुल कवर के इनको खिलाड़ी फील करते एक रन लेने का मौका मिला एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता वक्त गुड्डू बैट्समैन गुड्डू काशीनाथ वहां पर बैटिंग करने के लिए जिन्होंने गेंदबाजी करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए गेंद बहुत अच्छी गेंद टप्पा गेंदने के बाद तेजी के साथ निकल गेंद बैट्समैन को पीट कर रही है अभी रिकवर स्कोर केवल 8 रन की योग पर देखना है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए गेंद लक्ष्यम पर आती गेंद ऑनसाइड में गेंद को मारा गेंद जा रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जब तक फील्डर फील करते हैं एक ही रन लेने का मौका मिलता है एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है केवल 9 रनों की ओर पर यानी कि 11 गेंदों का खेल पूरा होने के बाद रन यहाँ पर पहुंच के केवल 9 रन और विकेट गिरी है 3 मैच एक तरफा नजर आता बा और इस मैच में से बाल बोला नजर आ रहा है गेंदबाजों का गेंद मुट्टू नाइक की अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद तेजी के साथ निकलती गेंद गेंद बल्लेबाज के बदन से टकराती गेंद कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं और इस बीच ओवर पूरा हो चुका है और जहां तक 2 ओवरों की समाप्ति में रन संख्या है 3 विकेटों के नुकसान पे केवल 9 रन। जैसे कि YouTube पर आप देख सकते हैं कि टूर्नामेंट में लीडर बोर्ड देख सकते हैं कि जैसे कि इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजी की रन जैसे की रन मशीन की एक समय में विराट कोहली को पहचाना जाता था उस तरह से हमारे टूर्नामेंट की विराट कोहली यानी कि सबसे ज्यादा एक पर जो बैट्समैन है रैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं हमारे टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं टूर्नामेंट की लीड बोर्ड की बात कर रहा हूं यहां पर
तो अनिल गेंदबाजी करने के लिए आ रहे, बॉलिंग करने के लिए। लीडबोर्ड की बात जो अभी चल रही थी, मारुति कोहली 104 रन बनाकर नंबर वन पर है, संदीप राठौर 99 रन बनाकर नंबर दो पे, और तीसरे नंबर पर है मयूर 91 रनों का बनाकर। टूर्नामेंट का आग का गोला, यानी कि सबसे ज्यादा विकेट देने वाले गेंदबाज है मैन फॉर्म हैदराबाद सिद्धेश्वर क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है आदर, ने अब तक 10 विकेट लेकर नंबर वन की जगह पक्की कर ली है। नंबर पर है आरडी, यानी कि रोहन डेपे 8 विकेट लेकर, मुत्तू नाइक ने 7 विकेट लिया, और साथ लिए है निकित नितिन गायकवाड़ ने। काफी अच्छा अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ, ये देखिए इसे कहते हैं बार-बार चमत्कारी घात, बाबा चमत्कारी घात, और इस कैच के लिए बहुत जबरदस्त कैच वहां पर पकड़ा जा रहा है। चलिए क्या रिप्ले में देख सकते कि कैच किस तरह से बेहतर अंदाज में पकड़ा जा रहा है वहां पर। रिप्ले में आप देख सकते कि कैच कितने बेहतर अंदाज का ये कैच पकड़ा जाता हुआ। जरा फील्डर का नाम बताइए जिन्होंने कैच पकड़ा है, उनका जरा नाम बताने की जरूरत। सागर गवा ने, संदीप पवार का जिन्हें कैच पकड़ रखा, रामा खिलारे। रिप्ले में देखिए किस तरह का ये बेहतरीन कैच आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, लगा था कि बिल्कुल जिस तरह से अपने शिकार पर झड़प मारता है उस तरह से गेंद पर झड़प मारी फील्डर ने, और बहुत जबरदस्त अंदाज का कैच वहां पर पकड़ा जा रहा है। अगर कैच को पकड़ना ना हो संगा रामा के इस कैच के लिए हमारे अड़कुल गुरुजी इनकी ओर से 500 रुपए के नाम, संतोष जी अड़कुल गुरुजी इनकी ओर से 500 रुपए रामा के लिए। नए बैट्समैन बैटिंग करने के लिए आ रहे बाबू शाह शिव सिंह वाले, पर गेंद को मारा, गेंद आसमान में ऊंची जा रही है, फील्डर नीचे जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सागर गवा ने गेंद को अंदर ढकलना चाहते थे, गेंद जा रही है बिल्कुल बाउंड्री के बाहर जाती, गेंद बिल्कुल 4 रन के लिए निकल रही है। 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है, ना आपका ना मेरा, फिलहाल स्कोर है 13 रनों की योग पर। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर ये गेंद बहुत अच्छा स्ट्रोक लगा दिया, फिर से रिवर्स स्ट्रोक गेंद जा रही है बिल्कुल लॉन्ग ऑन सी बारी का पार करती गेंद, बहुत देरी के बाद एक अच्छी बैटिंग यहां पर हमें देखने मिल रही है, और मानो कि जैसे ही गेंद उनके बल्ले से निकली थी उस पर बोहर लिखी थी 4 रनों की, और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रनों की योग पर। छावा और फलंदाज ने मार लिया दंदनी 4 धावा। बारी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है बॉलर, इस वक्त पहुंच रहा है 17 रन की योग पर, केवल 17 रन 4 विकेटों के नुकसान पे, और इस बार फिर से हमारा गेंद जा रही है बिल्कुल कवर के क्षेत्र, जब तक की गाड़ी फील करते हैं 1 रन का मौका मिलता हुआ, 1 रन का स्कोर आगे बढ़ रहा है, रन संख्या पहुंच रही है 18 रनों की योग पर। 2 ओवर और 4 गेंदों का खेल पूरा हो चुका है, इसका मतलब 16 गेंदों का खेल पूरा होने के बाद रन संख्या 18 रन की योग पर। जिन्होंने काफी अच्छी बैटिंग की थी बाजी आयर कर, जो कि चांदकोटे 11 टीम की खिलाड़ी है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं यहां पर मैच देखने। गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर फिर गेंद तीस बार ऑनसन में मारने की कोशिश, फिर से गेंद के नीचे फील्डर है और बड़े आराम के साथ कैच लेना चाहते थे, कैच छूटा वहां पर। रिप्ले में देख सकते कि किस तरह का ये कैच वहां पर फील्डर के हाथों से छूटा, आप रिप्ले में देख सकते पर लाइव टेलीकास्ट जो होता है। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अनिल अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर, ओवर की आखिरी गेंद लेकर अनिल गेंदबाजी करेंगे। चले गए गेंद को लॉफ्ट स्ट्रोक लगा दिया, गेंद जा रही है बिल्कुल सीपारी का पार करती, गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है, पहले बाउंस पर निकलती गेंद बिल्कुल सीपा पार निकल रही है 4 रन के लिए, और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या 23 रन के ऊपर, 3 ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है।
रिप्ले में देख सकते कि रिप्ले में बताया जाता हुआ यहाँ पर मेरे ख्याल से हम रिप्ले देख रहे की कोर्ट देख रहे जो कि कहा जाता हुआ रिप्ले में और क्या जो छूटता हुआ रिप्ले यहाँ पर फिर से बताया जाता हुआ बड़ा वाक्य बताया उन्होंने। तो नया और लेकर गेंदबाजी करने के लिए बॉलिंग करने के लिए आ रहे नितिन मेड़ा को गेंदबाजी के लिए बोला जाता है। नितिन मेड़ा अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला और टीम की ओर से का चौथा और आखिरी ओवर लेकर बॉलिंग डालने के लिए फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर और ये गेंद को ऊंचा मारना चाहते थे गेंद आसमान में ऊंची जा रही है गेंद के नीचे फील्डर आ गए काशीनाथ कोहली जैकि नंबर तीन से दिखे और इस बीच एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 24 रन की योग पर। जैकी नंबर की अगर बात करना चाहेंगे जैकी नंबर वन की दूसरा हमारे स्वर्गीय पंकज राठौड़ को पहचाना जाता है जैकी है कैलाश कांबळे और तीसरे नंबर की जैकी है काशीनाथ कोहली जिनका नाम है केके। नंबर के जैकी का नाम पड़ा है डायमंड राजा और पूर्व भाग के जैकी है हमारे महाराजा। बार मारना चाहते थे गेंद जा रही है बिल्कुल जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं बड़े आराम के साथ एक रन लिया जाता हुआ एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 25 रन 25 रन जिनके जन्मदिन के मौके पर ये जो टूर्नामेंट खेली जा रही है माननीय तथा आदरणीय युवा नेते के सम्राट सम्राट माननीय तथा आदरणीय पाटिल इनका कुछ ही क्षणों में यहाँ पर आगमन होने वाला है। अच्छी गेंद गेंद बल्ले के बैट के नीचे विकेट कीपर के हाथों में गेंद चले गए की बात करना चाहेंगे तो निश्चित गेंदबाजी में उंगलियों की जादू दिखाते हुए गेंद को टर्न कर दिया जाता हुआ और निश्चित पारी करने के लिए तैयार है। गेंदबाजी का आक्रमण संभाल लेके दीजिए गेंद बहुत अच्छी गेंद इस बार मारना चाहते थे गेंद बल्ले के अंदर अगर गेंद जा रही है अंपर के बगल में और जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते एक रन लेने का मौका मिला एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है पर गेंद को मारना चाहते थे गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है का इशारा किया जाता हुआ इनकी आखिरी गेंद लेकर देखना इस गेंद पर इक्का दुक्का तिक्का या चौका छक्का आता है या रन मिलेगा या रन नहीं मिलेगा देखेंगे। ये चले गए गेंद को लॉफ्ट स्ट्रोक लगा दिया गेंद जा रही है बॉलर के पीछे सागर वहां पर फील्डिंग करने के लिए आ रहे दूसरा रन लेने की कोशिश में मेरे ख्याल से बैट्समैन रन आउट हो गए वहां पर आउट हो गए वहां पर हिट के लिए टारगेट मिला है के लिए टारगेट है केवल उन रनों का टारगेट यानी कि 29 रन का टारगेट रखा है।
तर या ठिकाणी आम्हाला सर्वांचे प्रेरणास्थान मार्गदर्शक आदरणीय दादा सर्वांनीय तालुक्याचे माजी आमदार सर्वांनीय सिद्धरामप्पा पाटील साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांचं समितीने मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतोय. सन्माननीय तथा आदरणीय अक्कलकोट तालुक्याचे माजी आमदार सर्वांचे प्रेरणास्थान आम्हा सर्वांचे मार्गदर्शक आदरणीय सिद्धरामप्पा पाटील साहेबांचं या ठिकाणी आगमन होताना त्यांचं क्रीडा समितीचे सहर्ष स्वागत. सहर्ष स्वागत. चला मॅच चालू करायची. बॅट्समन भेजिये. मी विनंती करूंगा की बॅट्समन तुरंत भेजिये. मुत्तू नाईक और बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे. रामा खिलाड़ी की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में जा रही है. रामा खिलाड़ी और मुत्तू नाईक की जोड़ी 29 रन का जो टारगेट दिया मैच जीतने के लिए. गिनबारी का आक्रमण संभालने के लिए गिनबारी की जिम्मेदार लेकर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है गिनबारी करने के लिए. समोरची गर्दी कमी करा. चल गर्दी कमी करा. इकडे से मॅच चालू करायची आहे. ताबडतोब मॅच चालू करा. रावडे को गिनबारी के लिए बोला जाता हुआ आतिश रावडे गिनबारी करने के लिए अपने व्यक्तिगत का पहला और टीम की ओर से का पहला ओवर लेकर गिनबारी करने के लिए आएंगे. के लिए बिल्कुल 29 रन का जो टारगेट रखा है जीतने के लिए. इसका पीछा करने के लिए मुत्तू नाईक बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर है और नो स्ट्राइकर की गेंद पर बैट्समैन है. स्ट्राइक पर रामा खिला रहे. फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए. इस बार ये गेंद पहली गेंद पर रिवर्स स्ट्रोक लगाना चाहते थे. गेंद जा रही है बिल्कुल बल्लेबाज के लगने के बाद गेंद शायद थर्डमैन के क्षेत्र में गेंद निकल रही है. खिलाड़ी जब तक गेंद को फील करते हैं बैट्समैन के लिए सिंगल करने का मौका मिलता हुआ. सिंगल साथ खाता खुला टीम का और बैट्समैन का खाता खुल चुका है. फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है आतिश रावड़े राइट हार्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करने के लिए बायत के बैट्समैन रामा खिलाने के लिए. गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है गेंदबाज. ये गेंद संसद में गेंद को मारा अलोंग द कार्पेट गेंद जा रही है जब तक खुद कप्तान आवे सिवसी वाले गेंद को फील करते हैं. लेने का मौका मिलता हुआ एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है. कुल स्कोर केवल दो रनों की ऑफ पर दो गेंदों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है. यानी कि माननीय तथा आदरणीय अक्कलकोट तालुक्याचे माजी आमदार सर्वांचे मार्गदर्शक स्थान आदरणीय तथा सन्माननीय सिद्धरामप्पा पाटील साहेबांचे या ठिकाणी काहीच वेळ त्या ठिकाणी आगमन होईल. त्यांचा चेंडू स्परेक फटका. चेंडू जातो तो सरळ डीप बॅकवर्ड स्कोर लेगच्या दिशेने चेंडू. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक जातो. चेंडू मात्र अडवण्याची जातोय. या ठिकाणी मला वाटतं आप्पांचं या ठिकाणी आगमन झालं आहे. माननीय तथा आदरणीय कोलकाताचे भाग्यवाद भाग्य विधाते आदरणीय सिद्धरामप्पा पाटील साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालं आहे. त्यांचं मी सहर्ष स्वागत करतो. वेलकम आगतम स्वागतम सुस्वागतम. दरम्यानचा हा चेंडू ऑफस्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू पंचांनी वाईट अवांतर धावा घोषित केली. अवांतर धावाचा संघाची वाढती धावसंख्या मात्र पोहोचते ती 5 धावसंख्या. तर या ठिकाणी फिर से पारी करने के लिए तयार है. गेंद इस बार ऑनसाइड में मारा. पालम पल्ले वहां पर फील्ड के लिए मौजूद का कोई मौका नहीं. गेंदों का खेल पूरा होने के बाद रन संख्या केवल 5 रन है.
मैच अभी भी हार मानने नहीं तैयार है। बहुत जबरदस्त अंदाज की गेंदबाजी चल रही है यहाँ पर। आदरणीय हमारे मार्गदर्शन शॉट लगाने की कोशिश, आदरणीय तालुक्याचे माजी आमदार सिद्धराम पाटील साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं पूर्वक स्वागत करतोय। आगतम स्वागतम सुस्वागतम सन्माननीय तथा आदरणीय रमाबा पाटील साहेबांचं या ठिकाणी आगमन होताना त्यांचं वतीने मनपूर्वक सदर्श स्वागत करतोय। पंचांकडून वाईट धावा वाईटचा इशारा या ठिकाणी केला गेलाय। अकबर शहराचे किंग मेकर म्हणजे सन्माननीय तथा आदरणीय, आज आपण वाढदिवस साजरा करतोय, त्यांना सिद्धरामप्पा पाटील यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय। अण्णांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा। त्यांना जी आप जियेंगे हजारो साल, साल के दिन 50,000, आपल्या वाढदिवसानिमित्त लाख लाख आबळभर शुभेच्छा। त्याचबरोबर आपले इन केबलचे राजेश अण्णाजी पाटील साहेबांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं देखील मी क्रीडा समितीच्या वतीने मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतोय। दरम्यान त्यांच्या स्वागतासाठी मात्र चौकार लगावला गेलाय, चौका जातो पार चार धाब्यासाठी भरती वाढती धावसंख्या 10 धावा। गेंद ऑफस्टंप की काफी दूर जाती गेंद, निश्चित ही वॉलीबॉल का इशारा किया जाता हुआ, वॉलीबॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1-1 यानी कि 11 रनों की योग पर। या ठिकाणी अक्कलकोट तालुक्याचे माजी आमदार तथा सर्वांचे प्रेरणास्थान आदरणीय तथा सन्माननीय सिद्धरामप्पा पाटील साहेबांचं या ठिकाणी आगमन होताना त्यांचं मी क्रीडा समितीच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतोय। कापूर शहराचे किंग मेकर आदरणीय अण्णाजी पाटील यांचं देखील या ठिकाणी आगमन। दरम्यान त्यांच्या स्वागतासाठी मात्र कानकाने दानदाने शानदार षटकार लगावला गेलाय। अगाची धाड पोल लायपाड कानकाने दानदाने सनसनीत षटकार। निश्चितच या ठिकाणी गेल्या 10 दिवसानंतर म्हणजे 11वा दिवस स्पर्धेचा, लागोपाठ 5व्या सीझन मध्ये आपण स्पर्धा खेळवतोय। आदर्श प्रतिष्ठान शिवचंद्रस्थान आणि त्याचबरोबर यस फाउंडेशन यांच्या स्पर्धा आपण या ठिकाणी भरवतोय। या ठिकाणी सर्व मान्यवरांचं मी क्रीडा समितीच्या वतीने मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतोय। फिर से गेंदबाजी करने के इस बार हमारे नौजवान युवकों दावाज तथा युवा नेते युवा सम्राट माननीय तथा आदरणीय सुमित पाटील इनके जन्मदिन के मौके पर थर्रार क्रिकेट का जल्लोष पाते तो अपन डायमंड चस्का था पर हल्के से कटकष्ट होता देखना है। जब के पीछे वहां पर फील्ड रन लेने का बदला अभी भी रुका हुआ स्कोर 17 रन की योग पर लॉस ऑफ आउट लॉस कारण ले लेने के लिए इन केबल नेट पाटील साहब भी वहां पर मौजूद है, त्यांचं देखील भी या ठिकाणी स्वागत करतोय। सर्वांचे प्रेरणास्थान आदरणीय तालुक्याचे माजी आमदार सिद्धरामबाप्पाजी पाटील साहेब देखील या ठिकाणी सामना पाहण्यासाठी त्यांचं देखील हर्ष स्वागत करतोय। पारी करने के लिए हजर आगे निकल कर लगाना चाहते थे गेंद बल्लेबाज के, गेंदबाज ने सीधा खेला अपने ही फालतू में गेंद को रुका जाता हुआ, रन लेने का कोई मौका नहीं, अभी भी रुका हुआ स्कोर यहाँ पर 17 रनों की योग पर। अमेन के लिए पहले क्रमांक के लिए बंपर प्राइज दिया जा रहा है ₹71,151 के इनाम, दूसरे क्रमांक के लिए ₹41,151 का इनाम दिया जा रहा है। गेंद इस बार फिर से गेंद को कट करना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई, रन नहीं कोई नुकसान नहीं, केवल गेंद में बढ़ोतरी हो रही है। अजर के बारे में अगर बताना चाहेंगे कौन, जवाब है अजर। कि अजर ने बल्लेबाजों पर रन बनाने के लिए रेगिस्तान में पानी के लिए बूंद बूंदना पड़ता है, उसका अजर की गेंदबाजी पर बल्लेबाजों को तरसना पड़ रहा। अच्छी गेंद हैदराबाद एक्सप्रेस है ये गेंदबाज बहर जाती गेंद, वॉलीबॉल का इशारा बढ़ता हुआ स्कोर 18 रनों की योग पर। मैच के मुख्य अंपायर है बालाजी साळुंके, खासकर से यहाँ पर अंपायरिंग के बुलाया जा रहा है, और सोहेल काजी अंपायरिंग के लिए मेरे सहयोगी स्कोर का काम करते हो क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है कंप्यूटर कहा जाता है गायकवाड़, और उनके साथ में श्रीनिवास उपलब्ध स्कोरिंग काम कर रहे हैं।
और हल्के से क्या इस वंगारी भी हमारे साथ में हम काम कर चुके हैं, बहुत अच्छी की डबल ड्रा लगा दिया बड़का बस को ऊपर टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम जो किया जा रहा है निश्चित आदर्श प्रदान मेहनत यहाँ पर ली जा रही है कि आज हमारे जी इनका जन्मदिन है। जी आप जिएंगे हजारों साल, साल के दिन होंगे 50,000, आप लिया वार्ड दिवस निमित्त लाख लाख शुभेच्छा। इनको मारना चाहते थे, बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश, इन बल्लेबाज के बदन से टकराई है। अब 13 गेंदे और मैच जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है, 13 चेंडवाड़ी विजय साठी हवे अत्या फक्त दावा। उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। फिर से गेंदबाजी करने के लिए आसमान में गेंद को ऊंचा मारा है, देखना फील्डर नीचे है और ये गुड्डू ने पकड़ लिया पर आराम के साथ क्या अच्छा। या ठिकाणी सामना पाहण्यासाठी जे उपस्थित आहेत तर या ठिकाणी सामना पाहण्यासाठी उपस्थित असणारे सन्माननीय सर्वांचे लाडके आदरणीय अकल सर सिद्धरामय्या यांचं स्वागत करतो, त्याचबरोबर राजेशन्नाजी पाटील साहेब, दिंदू साहेब पडोळकर साहेब पाटील, राजेश अण्णाजी साहेब आदर पाटील साहेब आणि अकबरे साहेब त्याचबरोबर बाबू राठोड या सर्वांचं मी या ठिकाणी क्रीडा संघाच्या वतीने मनपूर्वक सर स्वागत करतो। वेलकम आगतम आगतम स्वागतम। जीत की अगर बात करना चाहेंगे 12 गेंदों का खेल बचा और जीतने के लिए 10 रन की जरूरत है, 12 गेंद और जीतने के लिए 10 रन की जरूरत है। और लेकर गेंदबाजी करने के लिए बॉलिंग के लिए बुलाया जा रहा है अजय माने, उन्होंने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की इस टूर्नामेंट में, देखते हैं छोटे फटाका बड़ा धमाका करने वाले खिलाड़ी है, हाइट कम फाइट ज्यादा करते हैं टूर्नामेंट में। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, अपने ओवर की अगली गेंद लेकर पर ये गेंद और फिर गेंद तीस बार, क्या कमाल का स्ट्रोक निकलता हुआ, बागाची धार फुल लाइन पार दन दनित कनकनित सनसनित छक्कार, प्रदर्शन अंदाज का निकलता हुआ निश्चित गेंद जा रही है बिल्कुल जैसे ही गेंद उनके बल्ले से निकली थी उस पर मोहर लगी थी चरणों की और इसी चरण के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 25-25 रन की योग पर। मजबूत बल्ला तूफानी हल्ला चेंडू फर्रार सीमा पर सहा धावा। टूर्नामेंट के लिए पहले क्रमांक के लिए जो बम्पर इनाम दिया जा रहा है और जैसे कि मेहनत जो ली जा रही है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम जो और मेहनत जो की जा रही है लाल जी लोनार प्रभाकर महाराज ननौरे अक्षय लंकेश्वर राकेश भंसावाले अनिल परदे लखन पंगुड़ वाले नीलेश राठौर किरण पर पंगुड़ वाले नरेश आगलावे ताड़ और नरेंद्र संगल नरेश संगललो और जैसे कि अगले साल में डायमंड ट्रॉफी थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में आप में यहाँ पर नजर आ सकती है। ठीक है तीस बार इसी के साथ विनिंग स्ट्रोक लगा दिया और इसी के साथ ये गेंद जा रही है, बल्कि विनिंग स्ट्रोक आपको याद होगा महेंद्र सिंह धोनी ने भी बिल्कुल इतने समय छक्का लगाकर वर्ल्ड कप जीतवाया था, उसकी याद यहाँ पर ताजा कर ली और फिर से और इसी के साथ इस साल की चैंपियन बनी है समर्थ राजा के क्रिकेट टीम जिन्हें 71,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, अगले साल में 1,51,000 रुपए के इनाम होगा। थोड़ा सा फॉर्मेट बदला गया है यहाँ पर टूर्नामेंट के लिए, केवल 32 टीमों को यहाँ पर हिस्सा लेने का मौका मिलेगा और 32 टीमों में 16 ग्रामीण के टीम होंगे, 16 सिटी के टीम होंगे, अगले साल में 1,51,000 रुपए डायमंड चषक खेली जाएगी छठे सीजन में।
विजय संघाचे या ठिकाणी हार्दिक अभिनंदन या ठिकाणी।